तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी के उन सारे केसेस को जो हमारे एग्जाम्स के रेलेवेंट हैं, एग्जाम्स के क्वेश्चंस के रेलेवेंट हैं हमारे, ठीक है। तो इससे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर बेसिक वीडियो नहीं देखा होगा सिलॉग्स का, हम लोगों ने क्या किया, कुछ दिन पहले आपका अपलोड किया है, बेसिक वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद अपलोड किया था ओनली फ्यू एंड ओनली ए फ्यू, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है आपका, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस या उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके पूछे जा रहे एग्जाम्स में। उसके बाद हम लोगों ने अपलोड किया आपका इधर और अपलोड किया है, और आज हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पॉसिबिलिटी का, मतलब संभावना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, संभावना बोलते हैं, ठीक है। तो ये संभावना वाला जितना भी आपका केस होगा, है ना, जितना भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, एकदम सटीक रूप से, एकदम शॉर्टकट तरीके से, है ना, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। इसमें आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका विदाउट मतलब पेन फ्री सॉल्यूशन भी आप उसका क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सिलॉग्स बेसिक वाला वीडियो आप लोग जाकर देख लेना, फिर आपका ओनली फ्यू या ओनली ए फ्यू वाला आया है वीडियो, फिर आपका इधर और आया है, फिर आपका पॉसिबिलिटी आया है। जो लोग हमारे चैनल पे पुराने हैं उन लोगों को क्या करना है कि वीडियो देखते समय लाइक बटन दबाना है, और जो लोग नए हैं उनको लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों दबाना है, ठीक है। और जो नए और पुराने हैं उन लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मेंशन करना है, कमेंट करना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या क्या और क्वेश्चंस आपका ऐड होना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका कुछ छूटने वाला है नहीं। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा 110% गारंटी है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो छूटेगा नहीं। आप लोग जितने भी कहीं भी पढ़े होंगे, आप लोग कहीं भी फाउंडेशंस पढ़े होंगे, उन फाउंडेशंस को क्या करो, जाके साइड में वोमिटिंग कर दो, ठीक है, क्या करो, जाके साइड में वोमिटिंग कर दो। और जो नए चीज़ का जो निवारण करेंगे हम लोग, वो इस वीडियो से करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लायक होने वाला है, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी लेट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम सबका कीमती है, है ना, इस चीज़ को समझते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा है पॉसिबिलिटी, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। जिन लोगों को अगर पॉसिबिलिटी आज तक नहीं पढ़े होंगे या फिर सिर्फ बेसिक पढ़ के छोड़ दिए होंगे, लेकिन हाँ एक बात याद रहे, बेसिक पॉसिबिलिटी कहने का मतलब इसके पहले वाला जो आपका बेसिक सिलॉग्स है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो आपका कंप्लीट नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है ये समझ में भी ना आए, ठीक है। लेकिन चलो, कोशिश करेंगे हम यहाँ समझाने का, और आप लोग वीडियो देखते जाओ, पुराना वाला वीडियो देखते जाओ, कमेंट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, या तो फिर फेसबुक का आपका ग्रुप होगा या फिर आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, सारे में शेयर करते जाओ। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी का जनरली कुछ रूल्स होता नहीं है, लेकिन हम अपने साइड से क्या किए हैं, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाया, जैसे मैंने क्वेश्चंस बहुत सारा सॉल्व किया है, उस हिसाब से वो जो रूल है आपका 100% क्वेश्चन पे परफेक्ट बैठता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कैप्सूल को लिख लेते हैं पहले। वो आपका कैप्सूल क्या है, कैप्सूल, ठीक है, क्योंकि विटामिन आपका जो भी विटामिन बोल रहे हैं, आपका जो भी एंटीबायोटिक होगा वो तो हम कॉन्सेप्ट में देंगे, लेकिन कैप्सूल भी आपका उसके साथ जरूरी है, है ना। चलिए, तो पहला वाला क्या है आपका, कि पहला वाला आपका है कि अगर स्टेटमेंट में आपका सम रहे, अगर आपका स्टेटमेंट में सम रहे तो पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होता है, ऑल और सम नॉट का बनेगा। पॉसिबिलिटी किसका बनेगा, ऑल और सम नॉट का बनेगा। याद रखिएगा कि अगर स्टेटमेंट, अगर कथन में आपका सम रहे, कुछ रहे, तो आपका क्या है कि पॉसिबिलिटी जो है वो सभी का बनेगा, मतलब ऑल का बनेगा, और नहीं तो फिर आपका सम नॉट का बनने वाला है। अब देखो, कितने लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर ये पॉसिबिलिटी मिलेगा कहाँ, तो ये पॉसिबिलिटी कभी भी आपका स्टेटमेंट में नहीं मिलता है। ये पॉसिबिलिटी हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, पॉसिबिलिटी आपको हमेशा मिलने वाला है आपका सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष में मिलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। ये हो गया पहला, कि अगर स्टेटमेंट में सम रहे तो आपका कंक्लूजन में ऑल होना चाहिए और आपका सम नॉट होना चाहिए, उसका पॉसिबिलिटी मेरा हमेशा क्या होता है, सही। दूसरा वाला यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका नो रहेगा, ठीक है, स्टेटमेंट में नो रहेगा, या फिर आपका किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपका नो रहेगा, उसमें जो आपका किसी प्रकार का पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं चलने वाला है, या फिर आपका सभी वाले केस में हो, या फिर आपका ऑल वाले केस में हो, सम वाले केस में हो, नो वाले केस में हो, या फिर आपका सम नॉट वाले केस में हो, तो आपका किसी भी चीज़ में पॉसिबिलिटी नहीं चलेगा। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि ये कुणाल है ना, या फिर कुणाल सर आपके भाई नहीं है, कुणाल सर क्या आपके भाई नहीं है, और कोई तीसरा आदमी आकर
हमसे या आपसे ये बोलता है कि कुणाल सर आपके भाई होने की संभावना है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पक्का है कि ये नो लगा हुआ है, मेरे और आपके बीच में किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, आपका लाइन अलग मेरा लाइन अलग, है ना, तो दोनों लाइन कभी भी मर्ज हो ही नहीं सकता है, जब है ही नहीं तो फिर सकता किस बात का, ठीक है, तो नो वाले केस में कभी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा। तीसरा क्या, तीसरा कहने का मतलब है कि जो पहले से श्योर है, जो पहले से श्योर है उसमें कभी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा, मतलब उसका भी पॉसिबिलिटी क्या होगा, वो हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है, उसका भी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत हो जाएगा। अब इस बात को फिर से समझो, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि इंडिया के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, और कोई तीसरा आदमी आकर आपसे ये बोलता है क्या कि नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री होने की संभावना है, तो ये गलत, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हमको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब ये प्रधानमंत्री हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी किस चीज़ का, सियोरिटी में पॉसिबिलिटी नहीं लगता है और ना ही नो वाले केस में पॉसिबिलिटी लगेगा। और एक और क्या कि अगर स्टेटमेंट में सम रहे तो कंक्लूजन में आपका ऑल होना चाहिए या फिर सम नॉट होना चाहिए, तब जाकर आपका पॉसिबिलिटी क्या होगा, सही होने वाला है। चौथा क्या है आपका, आप लोग को याद होगा जब हम लोगों ने पहला वीडियो पढ़ा था, जब हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था, तो हम लोग एक पढ़े थे वैलिड क्या, जो आपका सही वाला कंक्लूजन हो रहा था, दूसरा क्या पढ़े थे आपका, इनवैलिड पढ़े थे, जो आपका गलत वाला कंक्लूजन हो रहा था। गलत वाले में आपका क्या था कि यहाँ डाउट था, ये डाउटफुल था आपका, है ना, ये आपका डाउटफुल था। तो एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि ये डाउट प्लस पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होता है, हमेशा सही होता है। जो भी आपका डाउट रहे और वो उसमें अगर आप पॉसिबिलिटी लग जाए, मतलब कोई भी डाउट रहे आपका उसमें अगर संभावना निष्कर्ष में जुड़ जाए, तो वो आपका हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका सही होता है। चलिए अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे पॉसिबिलिटी वाले केस को। तो यहाँ एक स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, स्टेटमेंट यहाँ पे सम ए इज बी, मतलब कुछ ए आपका क्या है, बी है, कुछ ए आपका बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक फिगर बना लेंगे सुंदर सा कि कुछ ए आपका क्या है, बी है। अब इसका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से है, लिखा जाएगा सम ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम ए कैन बी बी, है ना, इसको और करके लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे कि सम जो है वो आपका ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ए के क्या है आपका, बी होने की संभावना है। फिर आपका क्या है, नीचे हम लोगों ने कैन लिखा है, तो नीचे हम लोगों ने जैसे ही कैन लिखा है तो कैन का मतलब ही आपका क्या होता है, संभावना ही होता है, और वो सकता शक्ति को इंडिकेट करता है, सकता शक्ति को क्या करता है आपका, इंडिकेट करता है। तो निष्कर्ष में अगर आपका निष्कर्ष में संभावना नहीं लिखा गया होगा, अगर कैन भी लिखा गया होगा या फिर मे भी लिखा गया होगा या फिर माइट भी लिखा गया होगा, है ना, तो आपका वो कंक्लूजन, वो क्वेश्चन जो है आपका वो किस चीज़ का है, वो आपका संभावना का ही क्वेश्चन है। वो आपका किस चीज़ का क्वेश्चन है, संभावना का ही क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। और पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं निष्कर्ष में, इस चीज़ को बताएंगे बट लास्ट में, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के साथ। लास्ट में मैंने बहुत सारा चीज़ ऐसा रखा है जो क्लियर करना है आप लोगों से, ठीक है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। चलो तो सम ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी या फिर सम ए कैन बी बी लिखो, दोनों आपका बात क्या है, बराबर है। उसी तरीके से मेरा दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम बी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा हो सकता है आपका। उसके बाद आपका क्या है कि सम इज बी, ये तो हो चुका है। अब इसको भी हम लोग क्या है कि सम बी कैन बी ए लिख सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले कंक्लूजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम बी कैन बी ए आपका लिख सकते हैं, कोई डिफरेंसेस होने वाला नहीं है, बात दोनों क्या होगा आपका, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या ये दोनों कंक्लूजन सही है आपका, दोनों कंक्लूजन आपका सही है, नहीं बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि हमको पता है कि ये पहले से श्योर है कि कुछ ए आपका बी है, और अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि आपका सभी
ए नहीं, मतलब कुछ ए आपका क्या है, बी है, तो कुछ ए के बी होना सम, कुछ ए का बी होना संभावना, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो आपका दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब श्योर वाले में किसी भी प्रकार का आपका पॉसिबिलिटी क्या होगा, नहीं लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद थर्ड वाला कंक्लूजन है, थर्ड वाला कंक्लूजन हम लोग कैप्सूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से चलेंगे कि सम अगर स्टेटमेंट में रहे तो कंक्लूजन में ऑल लगेगा या फिर आपका सम नॉट लगेगा। आई बात समझ में। तो पहले क्या है, ऑल कर लेंगे यहाँ पे, ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, मतलब सभी ए के बी, सभी ए का बी होना संभावना या फिर सभी बी का ए होना संभावना है। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना, पॉसिबिलिटी हम लोग वहाँ वहाँ, मेरा हम लोगों का वहाँ वहाँ सही होगा जहाँ पे कोई आपका डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जहाँ तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं पॉसिबिलिटी मेरा वहाँ तक सही होगा। कैसे, देखो डिस्टर्बेंस कहने का मेरा मतलब क्या है, नो, मतलब जहाँ तक नो नहीं, नो आपका लगा रहे है ना, वहाँ आपका पॉसिबिलिटी नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक अगर नो नहीं लगा रहे वहाँ तक आपका क्या है, कोई भी आपका डिस्टर्बेंस नहीं है तो वहाँ तक आपका पॉसिबिलिटी सही होगा। जैसे अगर इस फिगर को हम लोग ऐसे लिख दें, अगर इस फिगर को हम लोग ऐसे लिख दें, देखो तो अगर इस फिगर को हम लोग ऐसे लिखें, ए इज इक्वल टू बी, तो कोई डिफरेंस आने वाला है क्या, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर ऐसा फिगर है सभी ए बी है या फिर सभी बी ए है, ये भी इसमें पॉसिबल लग रहा है, दिख रहा है मेरा, तो अगर सभी ए बी है तो कुछ ए बी तो है ना, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है मेरा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी आपका जहाँ तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ तक मेरा क्या होता है, सही होता है। कैसे, आगे देखते जाइए। ठीक है, पांचवें वाले में आपका क्या होगा, सम ए इज नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी। ठीक है, सिक्स वाले में क्या होगा, सम बी इज नॉट ए बीइंग पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब है आपका कि कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है और कुछ बी के ए होने की संभावना नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा है, लिखा हुआ तो क्लियर दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम ए इज नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी, सम बी इज नॉट ए बीइंग पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप जहाँ बैठे हो वहाँ मान लो 50 स्टूडेंट और बैठे हैं आपके, जहाँ बैठे हो वहाँ 50 स्टूडेंट और बैठे हैं आपके, ठीक है, तो वहाँ क्या है कि आपका कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, मान लो 50 में से कुछ बच्चे आपका इंटेलिजेंट है। ठीक है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, मतलब 50 में से कुछ का मतलब क्या, वो 10 भी हो सकता है, वो आपका 5 भी हो सकता है, वो आपका 20 भी हो सकता है, आपका 45 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है ना, मतलब कुछ बच्चे आपका वहाँ के क्या इंटेलिजेंट है, तो बाकी बच्चे जो बचे हैं हो सकते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं हो, ये होने की संभावना है या फिर हो सकते, दोनों कह सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ है कि ए का कुछ ही पार्ट आपका बी है, ये वाला पार्ट तो नहीं होने की संभावना भी है, ये वाला पार्ट जो है नहीं होने की पॉसिबिलिटी भी है, ये वाला जो पार्ट है वो नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ क्या है कि यहाँ कुछ ए अगर बी है, श्योर है, फिक्स है कि कुछ ए आपका बी है, ये फिक्स है कि कुछ बच्चे क्लास में इंटेलिजेंट है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि कुछ बच्चे के इंटेलिजेंट नहीं होने की संभावना है या कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं। वैसे ही आपका कुछ ए बी है तो कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है, ये हो सकता है, या फिर कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है, क्योंकि कुछ ए और बी का जो दोनों पार्ट है वो एक में ही इंक्लूड है आपका, है ना, वो सम में ही इंक्लूड है, तो कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है ये भी आपका सही हो जाएगा, और कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आया बात कैप्सूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से समझ में कि अगर स्टेटमेंट में जिसके बीच में आपका सम लगा रहे वहाँ आपका ऑल और सम नॉट का भी डायग्राम बनेगा। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी जो होता है वो यस का भी होता है और नो का भी होता है। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला जाए कि आज बारिश होने वाली है, ठीक, बारिश होने वाली है, तो बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों कंडीशन को क्या करेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग नेक्स्ट वाले की ओर चलते हैं।
ठीक है, तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे, यस वाला भी पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे और आपका नो वाला भी क्या होगा पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसी चार पांच चीज़ पे मेरा सारा पॉसिबिलिटी जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और वीडियो के लास्ट तक हम ऐसा कुछ बताएंगे जो काफ़ी प्रॉफिट रहेगा आप लोगों को, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस में यहाँ पे। ठीक है, लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन में, अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट वाला हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या है सम ए इज बी लिखेंगे, फिर आपका सम बी इज सी लिखेंगे। तो कुछ ए आपका बी है और कुछ बी आपका क्या है सी है। हम लोग क्या करेंगे, पुराना वाला जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, है ना, डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ ए आपका बी है और कुछ भी आपका क्या है सी है। ठीक है, तो हम लोग को पता था ये चीज़ बेसिक वाले में कि मेरा डाउटफुल जो रिलेशन होता है, मेरा जो डाउटफुल रिलेशन होता है वो ए और सी के बीच में होता है कि नहीं। ए और सी के बीच में आपका रिलेशन जो है वॉल का नहीं चलेगा, सम का नहीं चलेगा, फिर आपका नो का नहीं चलेगा, फिर आपका सम नॉट का नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन ये ए और सी का आपका क्या मामला हमेशा डाउटफुल होता था बेसिक वाले टाइप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये आपका ए और सी का डाउटफुल जो रिलेशन है वो आपका सही होगा। ए और सी का जो डाउटफुल रिलेशन है आपका वो हमेशा क्या होने वाला है सही होने वाला है। अब देखो क्या कि हम लोग पहला वाला, हम लोग स्टेटमेंट वन बाई वन करके आएंगे। पहले वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है सम ए इज बी, तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टेटमेंट में अगर सम रहे तो कंक्लूजन में ऑल होना चाहिए और आपका फिर क्या होना चाहिए सम नॉट होना चाहिए। फिर यहाँ भी आपका सम है तो बी और सी वाले में सम लिखा गया है, तो बी और सी में भी आपका ऑल का पॉसिबिलिटी सही होगा और फिर दूसरा आपका किसका सही होगा आपका सम नॉट का सही होने वाला है। तो ऑल और सम नॉट का पॉसिबिलिटी सही होगा, संभावना सही होगा आपका किसके बीच में जहाँ पे सम लगा गया है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखेंगे कि एक तो आपका ए और बी के बीच में सम लगा गया है, दूसरा देखेंगे कि लगाया किसके बीच में गया है बी और सी के बीच में गया है। तो आपका दोनों के बीच में ऑल और सम नॉट का पॉसिबिलिटी क्या होने वाला है आपका सही होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर ले, बात कर लेते हैं आपका ए और सी के बारे में। ठीक है, ये तो समझ जाइएगा ना, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं सम नॉट या फिर ऑल, इस दोनों के बीच में रिलेशन चलेगा ए और बी के बीच में और दूसरा चलेगा बी और सी के बीच में। ठीक है, बीइंग पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा शॉर्टकट आ जाओ, है ना, उतना लिखना पॉसिबल नहीं है, टाइम भी बचाना है और ज़्यादा कुछ सीखना भी है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पे सम नॉट, सम ए इज नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी, ठीक है, सम बी इज नॉट सी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, ऑल इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, ऑल बी सी बीइंग पॉसिबिलिटी एंड ऑल सी इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी। मतलब कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है, कुछ बी के सी होने की संभावना नहीं है, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी सी के बी होने की संभावना, सभी बी के सी होने की संभावना, इतना हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना, खुद से लिख लेना, वो मैंने लिख दिया है पहले ही। हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं ए और सी के बारे में। ठीक है, तो ए और सी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, तब हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि ए और सी, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग पहले वाले पे आते हैं। हम लोग को क्या पता था यहाँ पे कि जितना भी आपका डाउटफुल होगा उसमें अगर पॉसिबिलिटी जुट जाए तो वो हमेशा क्या होने वाला है सही होने वाला है। तो ए और सी का रिलेशन जो है वो क्या है आपका हमेशा डाउटफुल रहेगा इस डायग्राम से, तो उसका रिलेशन हमेशा क्या होगा
हमेशा सही होगा। अब किन किन केस में सही होगा, कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें मेरा रिलेशन ए और सी का सही होने वाला है, वो हम लोग अब देखेंगे। ऐसे ऑल ए सी लिखा बीइंग पॉसिबिलिटी, सभी ए के सी होने की संभावना है, ठीक है। दूसरा क्या कि सभी सी के ए होने की संभावना है, ठीक है, ये दोनों आपका पॉसिबिलिटी चल सकता है। फिर क्या लिखा है कि सम एज सी बीइंग पॉसिबिलिटी, कुछ ए के सी होने की संभावना है या फिर कुछ सी के ए होने की संभावना, ये भी सही है। अब देखो लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ए के सी नहीं होने की संभावना। मैंने अभी क्या बोला था कि आज बारिश होने वाली है, आज बारिश क्या है, होने वाली है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी था आपका कि बारिश हो भी सकती है और आपका बारिश नहीं भी हो सकती है। तो सेम कंडीशन है कि दूर का रिलेशन है, दूर का डायग्राम है, तो आपका नो का भी रिलेशन या फिर सम नॉट का रिलेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ सम नॉट का रिलेशन आपका बन सकता है कि कुछ ए के सी नहीं होने की संभावना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब देखो क्या कि पहले वाले के हिसाब से अगर हम लोग को प्रूफ करना है कि सर आप पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ, है ना, कैसे हुआ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे कि सभी ए के सी होने की संभावना है। अब देखो यहाँ पे सभी ए के अगर सी होने की संभावना है तो फिगर अगर ऐसा रहे तो कोई दिक्कत होगा क्या? मेरे हिसाब से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। डिस्टर्बेंस कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट को क्या है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सम ए इज बी लिखा गया, यहाँ पे सम बी सी लिखा गया, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग इस फिगर पे भी चेक कर लेंगे। देखो सम ए इज बी है, सम बी सी है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरा क्या करेंगे, कंक्लूजन मेरा सारा सही होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ए और सी का डाउटफुल रिलेशन था, तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी हमेशा मेरा क्या होता है, सही होता है। एक बात आप लोग और सीख लो, एकदम शॉर्टकट तरीके से, इतना हम लोगों को नहीं देखना है, इतना हम लोगों को मेरा हम लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो एक और चीज़ सीख लो कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे उसमें आपका क्या है कि आपका पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो उसमें आपका पॉसिबिलिटी क्या है, हमेशा सही होगा। आप पूछिएगा सर ये सर हमेशा कैसे सही होगा, तो एक बात याद कर लो कि मेरा जो भी मेरा सियोरिटी है, जो मेरा सियोर है उसको छोड़ के मेरा पॉसिबिलिटी सही होगा इन द केस ऑफ ऑल, इन द केस ऑफ सम, ये दोनों केस जो है मेरा हमेशा सही होगा। मतलब सियोरिटी वाले को छोड़ के पॉसिबिलिटी मेरा डाउटफुल में जो है, या फिर अगर स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव रहे तो हमेशा सही होने वाला है ऑल और सम वाले केस में। जैसे देखो कि आपका ए और सी वाला आपका डाउटफुल था और स्टेटमेंट आपका दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, स्टेटमेंट आपका क्या है, दोनों पॉजिटिव है। जब स्टेटमेंट आपका दोनों पॉजिटिव है तो आपका यहाँ पे ए और सी का रिलेशन डाउट है प्लस पॉसिबिलिटी है, तो सही होगा। अब सही किन केस में हो रहा है, तो ऑल और सम वाले केस में ज़्यादातर मेरा क्या होता है, सही होता है। लेकिन ये श्योर वाले को छोड़ के, है ना, ये श्योर वाला जो है वो कभी पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं होता, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा वाला आपका एग्जाम्पल क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें आपका 7-8-10 क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप लोग को पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, है ना। चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है। तो स्टेटमेंट आपका लिखा है क्या, सम ए इज बी। दूसरा क्या लिखा है, ऑल बी इज सी। इसी स्टेटमेंट पे, इसी एग्जांपल पे आपका सारा पॉसिबिलिटी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नो सी इज डी, ठीक है, ये लिखा है आपका। अब हम लोग चलो देखते क्या है, इसका फिगर बनाते हैं कि कुछ ए आपका क्या है, बी है, और सभी भी क्या है, सी है, और कोई सी आपका क्या है, डी नहीं, ठीक है, कोई सी आपका क्या है, डी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या कि ए का कुछ पार्ट बी में है और बी का कुछ पार्ट आपका क्या है, बी का सभी पार्ट आपका सी है और सी का कोई भी पार्ट जो है आपका डी में अवेलेबल या इंक्लूड नहीं है। तो थोड़ा सा देखना कि ये आपका सी का बाउंड्री है क्या, ये आपका क्या है, सी का
बाउंड्री है। ये जब आपका सी का बाउंड्री है तो सी के अंदर आ कौन कौन रहा है, क्योंकि सी और डी के बीच में आपका लगा क्या हुआ है, नो, और नो वाले में हमको पता होना चाहिए कोई भी पॉसिबिलिटी क्या होगा, नहीं चलने वाला है। ये गारंटी है कि नो वाले केस में कोई भी पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सी के बाउंड्री के अंदर आपका बी भी आ रहा है टोटल बी आपका, और सी के बाउंड्री के अंदर ए का कुछ पार्ट भी आ रहा है, मतलब ये जो पार्ट है आपका वो ए भी है और बी भी और सी भी, ये तीनों आपका पार्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सम इज सी, सही होगा बिना पॉसिबिलिटी का। लेकिन अगर यही पॉसिबिलिटी में बोला जाए कि सम इज सी बीइंग पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ए के सी होने की संभावना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, ये तीनों है तो ये तो समझ गए। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन लिख लेते हैं, जो आपको समझ में आएगा। चलिए तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि आपका 10 कंक्लूजन है उसमें मेरा सारा का सारा पॉसिबिलिटी जो मेरा होगा इस फिगर के थ्रू, या फिर और भी मेरा जितने भी फिगर होंगे सब तो आपका चार ही पे बनने वाले हैं, ऑल पे, सम पे, नो पे बनने वाले हैं, ठीक है, और सम नॉट पे। तो इसी चारों पे क्या है आपका सारा कंक्लूजन फिट बैठेगा और सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकोगे, बना सकोगे, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला आप लोगों को। चलो तो पहला क्या लिखे हैं, सम इज बी लिखे हैं, तो कुछ ए आपका बी है, फिर क्या लिखे कि सभी बी सी है, फिर लिखे है कोई सी आपका डी नहीं है। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि ऑल ए आर बी बीइंग पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है। फिगर में देखो सम दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी ऑल और सम नॉट का क्या होगा, सही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ सम है तो ये पहला वाला मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, सभी बी के होने की संभावना, जब सम लगा है ए और बी के बीच में तो सभी तो हो सकता है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या लिखा कि सभी बी के सी होने की संभावना, सभी सी के बी होने की संभावना है। तो जब सभी सी आपका बी होने का संभावना है, कब ये वाला पार्ट जो है वो सारा उठ के इंक्लूड हो जाएगा बी वाले पार्ट में, तो ये भी सही है। मतलब क्या, थोड़ी देर पहले बताए थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ए बी सी में आपका दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सम और ऑल का कंडीशन मेरा सही होगा सियोरिटी वाले को छोड़कर, ठीक है। चलिए तो उसके बाद फिर आते हैं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है, ये भी मेरा सही हो जाएगा। ये जो ऐसे लाइनिंग खींचा गया है ना, ये बीइंग पॉसिबिलिटी ऊपर वाले का कॉपी है, ये आर 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 और ये सारा आपका बीइंग पॉसिबिलिटी लिखा गया, चलो ये भी समझ गए होंगे। सम बी आर नॉट ए बीइंग पॉसिबिलिटी, ये भी मेरा आपका क्या हो जाएगा, सही होने वाला है। सम सी आर नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी, कुछ सी के बी होने की संभावना नहीं है, मतलब कुछ सी आपका बी है लेकिन ये वाला जो खाली वाला पार्ट जो है आपका, इसका भी होना संभावना नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेम कंडीशन है सी और ए वाले में, यहाँ पे कि सी और ए वाले में सेम कंडीशन है कि सी और ए में आपका सम लगा गया है, तो सम नॉट वाला तो क्या होगा, हमेशा सही होगा। आपका आठवां क्या है कि ऑल ए आर नॉट डी बीइंग पॉसिबिलिटी, सभी ए के डी होने की संभावना नहीं है, तो ये तो सही बोल रहा है कि ए का कुछ पार्ट ऑलरेडी सी में इंक्लूड है और सी वाला जो पार्ट है वो डी से रिलेटेड नहीं है, तो सभी ए जो है वो डी कैसे हो सकता है, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 8 नंबर कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑल डी आर ए बीइंग पॉसिबिलिटी, अब देखो ये दोनों जो लास्ट वाला कंक्लूजन है इसको बड़ा ध्यान से समझना, दोनों जो लास्ट वाला कंक्लूजन है एकदम इम्पॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि सभी ए के डी होने की संभावना है, हमेशा याद रखना कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बाकी सारा मेरा पॉसिबिलिटी सही।
अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो डिस्टर्बेंस होगा किससे, तो वो होने वाला है ओनली आपका नो से होने वाला और किसी से होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या लिखा गया है कि आपका सभी डी के ए होने की संभावना, मतलब सभी डी वाला पार्ट जो है उठ के तो यहाँ आ सकता है, फिर भी उसको बी और सी से कोई मतलब रहेगा क्या? कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, क्योंकि सी और डी का दोनों पार्ट आपका अलग है, सी वाला पार्ट अलग है और आपका डी वाला पार्ट अलग है। लेकिन सी से जो ए है वो आपका सम के केस में रिलेटेड है, वो आपका किसके केस में रिलेटेड है? सम वाले केस में रिलेटेड है। जब ये सम वाला केस में रिलेटेड है आपका, तब क्या है यहाँ क्वेश्चंस में आपका कि डी का पूरा पार्ट ए में आएगा, क्योंकि ए वाला कुछ ना कुछ पार्ट आपका खाली है, क्योंकि कुछ से रिलेटेड है ना, कुछ सी ए है कुछ ए सी है, फिगर में दिख रहा है वो, तो ए का आपका कुछ ना कुछ पार्ट खाली है। जब ए का कुछ ना कुछ पार्ट खाली है तो डी उसमें तो इंक्लूड मेंशन हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये वाला सही हो जाएगा आपका, 9 नंबर वाला जो कंक्लूजन है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 नंबर वाला जो कंक्लूजन है, लिखा है क्या कि ऑल डी ऑल ए आर डी बीइंग पॉसिबिलिटी, सभी ए के डी होने की संभावना। तो जब सभी ए यहाँ से डी हो जाएगा तो ए वाला जो पार्ट है आपका, सभी ए वाला जो पार्ट है वो सभी ए थोड़ी ना है, वो तो कुछ पार्ट आपका बी और सी दोनों में इंक्लूड है। जब ये कुछ पार्ट आपका बी और सी दोनों में इंक्लूड है तो ये जो पार्ट है आपका जिसमें आपका बी और सी भी है दोनों इंक्लूड है, ये पार्ट कभी भी आपका डी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ना है ना हो सकता है, ना है ना हो सकता है। कहने का मतलब है कि उसमें नो लगा हुआ है और कोई पॉसिबिलिटी आपका चलने वाला नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये ए वाला जो पार्ट है टोटल पार्ट उठ के आपका डी में नहीं आ सकता, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी सी आपका तीनों रिलेटेड है और सी का बाउंड्री ए के सम केस में आपका रिलेटेड है। अगर बोलता यहाँ पे कि ए का कुछ पार्ट आपका डी हो सकता तो ये पॉसिबिलिटी था कि डी आपका यहाँ चला आता, फिर आपका बी और सी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन क्या है यहाँ पे कि ये वाला पार्ट आपका पूरा जो है डी में इंक्लूड नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को दे रखा हूँ यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और बेसिक जो भी आपका सिलॉक्स है उसका भी लिंक दिया गया है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर उसको देखो और समझो मैंने क्या बताया। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको ऐसा कर दो, यही तक क्वेश्चंस बताएंगे। चलिए पहला वाला क्या लिखा है, पहला वाला में लिखा है क्या कि ऑल हिल्स आर माउंटेन, लिखा है कि सभी हिल्स जो हैं वो क्या है, माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सम माउंटेन आर स्टेट, कुछ जो माउंटेन है वो आपका क्या है, स्टेट है, ठीक है। ऑल स्टेट आर कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, ऑल स्टेट आर क्या है, कंट्री है। अभी हम लोगों ने ABCD पे पढ़ा ना, जब हम लोगों ने ABCD पे पढ़ा तो हम लोग भी इस डायग्राम में क्या करेंगे, पिछले वाला कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए या फिर समझने के लिए हम लोग भी यहाँ पे ABCD बिठा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ए बी और आपका सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, मैंने जितना अभी तक कुछ बताया है सारा, या फिर कैप्सूल हो आपका या फिर आपका एंटीबायोटिक हो, दोनों आपका सही होगा, कन्फर्म सही होगा, मैं उसको प्रूफ करूँगा। एकदम ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि आपका यहाँ से हिल्स माउंटेन स्टेट और कंट्री में आपका कहीं भी आपका नेगेटिव बात नहीं किया गया है, मतलब कोई भी आपका नेगेटिव चर्चा नहीं है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका पॉसिबिलिटी ऑल और सम वाले केस में श्योरिटी वाले को छोड़कर हमेशा मेरा क्या होने वाला है, सही होने वाला है, ठीक है। तो पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पे क्या आया कि ऑल हिल्स बीइंग कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी, सभी हिल्स के कंट्री होने की संभावना, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। सम कंट्रीज नॉट बीइंग माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कंट्री के माउंटेन होने की संभावना नहीं है। अब देखो कंट्री और माउंटेन में कुछ होना चाहिए, है ना, कंट्री और माउंटेन में यहाँ पे कुछ है, तो कंट्री और माउंटेन के कुछ नहीं होने की संभावना, ये कुछ वाला पार्ट है, तो ये दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सम में सम नॉट लगेगा, सम कंट्रीज आर नॉट बीइंग स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कंट्री के स्टेट होने की संभावना नहीं है, तो ये भी मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल फॉलो। तो कंक्लूजन समझ में आया, फिगर समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया है कि सम कप्स आर काइट्स, सम कप्स आर क्या लिखा है, काइट्स लिखा है यहाँ पे, फिर लिखा है क्या कि ऑल काइट्स आर पैन लिखा है, नो पैन इज स्पून। चलो तो एक नॉट वाला तो मिला, सम इज बी, ऑल बी सी हो जाएगा और कोई सी आपका डी नहीं। सेम वही फिगर जो मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है ना, सेम वही फिगर है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ए आपका बी है और सभी बी आपका सी है, लेकिन सी वाला का रिलेशन डी से नहीं है तो बी और सी से भी क्या होगा, नहीं होने वाला है। और ए का कुछ पार्ट जो बी और सी दोनों में इंक्लूड है, ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी डी नहीं हो सकता है, क्योंकि है ही नहीं वो। तो पहला वाला क्या है कि नो काइट इज ए स्पून, कोई भी काइट आपका स्पून नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपका पूरा सी नहीं है तो उसके अंदर आपका बी आ रहा है, तो जब सी से डी का मतलब नहीं है तो बी से कभी भी डी का मतलब होगा क्या, मतलब कोई भी काइट आपका स्पून नहीं है, ये पहला वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि सम कप्स आर पैन, सम कप्स आर कुछ जो कप्स है वो क्या पैन है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है कि ऑल पैंस बीइंग कप इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पैन के कप होने की संभावना, बिल्कुल सही, यहाँ से यहाँ तक का पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो कंक्लूजन ऑल और सम का चलेगा संभावना में, याद रखिएगा ठीक है। चार नंबर क्या है, और ऑल स्पून्स आर काइट्स, सभी स्पून क्या है वो काइट है क्या, ना बिल्कुल ना, ये तो पहले ही काट दिया गया। पांचवा क्या है कि सम काइट्स नॉट बीइंग कप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ काइट के कप होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ काइट तो आपका कप है, तो कुछ काइट जब कप है आपका फिगर में दिख रहा है तो मेरा कुछ काइट के कप होने की संभावना नहीं है, ये हम लोग कह सकते हैं इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी ठीक है। चलिए तो इसमें आपका क्या है कि ओनली फोर्थ नॉट फॉलो एंड 1, 2, 3, 5 फॉलो ठीक है। इससे रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा कंफर्म ठीक है। थर्ड वाला लिखा है क्वेश्चंस क्या कि ऑल क्लर्क आर ऑफिसर, ऑल क्लर्क्स आर क्या लिखा है, ऑफिसर्स लिखा है ठीक है, एंड ऑल ऑफिसर्स आर क्या लिखा है, एंड ऑल ऑफिसर्स आर क्या लिखा है यहाँ पे, मैनेजर ठीक है, एंड नो मैनेजर इज इंजीनियर। तो सभी ए बी है, सभी बी सी है और कोई सी डी नहीं है। अब तो एकदम फिक्स है, एकदम सबसे आसान आपका एग्जांपल मिल रहा है यहाँ पे, सबसे आसान एग्जांपल मिल रहा है कि ये टोटल सी वाला पार्ट जो है वो डी है ही नहीं भैया, आ रहा है समझ में, कि टोटल आपका सी वाला पार्ट जो है वो डी है ही नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि ए और बी आपका कभी भी डी है क्या, या हो सकता है, नहीं कभी नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो फिर होने की संभावना ही नहीं है मेरा ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। तो पहला वाला क्या लिखा है यहाँ पे, एटलीस्ट सम ऑफिसर्स आर इंजीनियर, कुछ जो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम ठीक है, एटलीस्ट सम ऑफिसर्स आर इंजीनियर, क्या ये सही है अकॉर्डिंग टू फिगर, नो बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या है यहाँ पे, सम ऑफिसर्स नॉट बीइंग क्लर्क इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ऑफिसर के क्लर्क नहीं होने की संभावना है, ये तो बिल्कुल सही है ठीक है। सम इंजीनियर्स आर डेफिनेटली नॉट मैनेजर, देखो डेफिनेटली नॉट कहने का मतलब क्या, समझना जरा यहाँ पे कि डेफिनेटली नॉट कहने का मतलब क्या है कि वैसा कंक्लूजन जो आपके पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं हो ठीक है, वैसा कंक्लूजन जो आपके पॉसिबिलिटी में भी क्या हो, सही नहीं हो। तो लिखा है कि सम इंजीनियर्स आर डेफिनेटली नॉट मैनेजर, सम इंजीनियर्स आर नॉट डेफिनेटली मैनेजर, मतलब जो आपका कुछ इंजीनियर है वो आपका क्या है, मैनेजर नहीं है। तो नो वाला केस है तो सम नॉट चल सकता है, तो ये वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन याद रखना कि डेफिनेटली नॉट कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं आता है, हमेशा याद रखना कि डेफिनेटली नॉट वाला जो भी केसेज आपका कंक्लूजन में आएगा वो कभी भी पॉसिबिलिटी में काउंट होने वाला नहीं है। ये कितने लोग गलती कर देते हैं और गलत देख लेते हैं ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पर। अच्छा मैंने कुछ बोला था ना कि लास्ट में कुछ बताऊंगा मैं, चलो थोड़ी देर में, 5-2-3 मिनट में मैं बता रहा हूँ वो उस चीज़ को, पॉसिबिलिटी को और किसकी चीज़ से डिनोट करते हैं ठीक है। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि सम मिनट आर आवर, सम मिनट्स और क्या है, आवर्स है, नो आवर इज क्या है, सेकेंड है, चलो बहुत बढ़िया,
फिर क्या लिखा है, सम पीरियड आर सेकेंड, सम पीरियड आर क्या लिखा है, सेकेंड लिखा है, ठीक है। ए बिठा लो, बी बिठा लो, सी बिठा लो, डी बिठा लो। अब देखो नो वाला केस है कहाँ कहाँ, नो वाला केस बी और सी में है, ये बी और सी में ही नहीं है, ये ए और सी में भी है। ये थोड़ा सा पार्ट जो है ए का वो सी भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा पार्ट जो है डी का वो बी नहीं होगा, कन्फर्म। चलिए तो पहला वाला क्या लिखा है क्वेश्चंस में, ऑल पीरियड आर डेफिनेटली नॉट आवर, सभी जो पीरियड है वो क्या है, डेफिनेटली नॉट आवर है। ये आपका सही है कि आपका सभी पीरियड जो है वो डेफिनेटली, कोई सभी पीरियड कभी भी ये हो भी नहीं सकता, नहीं है, डेफिनेटली कहा गया ये, तो पहला वाला सही, ठीक है। दूसरा वाला क्या लिखा है कि सम मिनट्स आर नॉट सेकेंड, कुछ जो मिनट है वो आपका सेकेंड नहीं है, सही है कि सम ए आर नॉट सी, कुछ जो ए वाला पार्ट है जो बी में इंक्लूड है, ये वाला पार्ट आपका सी नहीं है, ये सही है, किसी प्रकार का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा क्या लिखा है कि सम सेकेंड आर नॉट आवर, सम सेकेंड आर नॉट आवर, ठीक है, सम सेकेंड आर क्या है, नॉट आवर, ये भी आपका सही है क्योंकि कोई आपका पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इसमें पॉसिबिलिटी होता तो कुछ जो सेकेंड है वो आवर नहीं है, नो वाले केस में सम नॉट भी चलता है, कुछ नहीं भी चलता है, तो ये कुछ सेकेंड आवर नहीं, ये आपका सही है, लेकिन इसमें अगर पॉसिबिलिटी लगता तो ये आपका गलत हो जाता, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, क्या लिखा है कि ऑल स्वाति आर सौरभ, ऑल स्वाति आर क्या लिखा है, सौरभ, ऑल सौरभ आर क्या लिखा, साक्षी, है ना, ऑल साक्षी आर क्या लिखा, संतोष, सम संतोष आर क्या लिखा है, शेखर, एंड नो साक्षी इज सोनल, ठीक है, एंड सम सोनल आर क्या है, संतोष, सम सोनल आर क्या हो जाएगा, संतोष। तो इस फिगर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सम सोनल आर क्या हो जाएगा, और इसका इसका कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो ये आपका फिगर हो गया, अब सब कुछ फिगर से ही क्लियर हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलो तो पहला वाला क्या लिखा है कि ऑल शेखर बीइंग सोनल इज ए पॉसिबिलिटी, सभी शेखर के सोनल होने की संभावना है, भैया डाउटफुल है प्लस पॉसिबिलिटी लगाया, तो पहला वाला सही। दूसरा, सम साक्षी आर शेखर है, कुछ जो साक्षी है वो शेखर है, नहीं, बिल्कुल गलत, कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तीसरा वाला, सम सोनल बीइंग स्वाति इज ए पॉसिबिलिटी, सम सोनल, कुछ सोनल के स्वाति होने की संभावना है क्या, नहीं, क्योंकि बीच में क्रॉस आ गया, दोनों का पार्ट अलग अलग हो गया, एक दूसरे को वो लोग नहीं जानते हैं, तो संभावना होने का कोई चांसेस नहीं है, ये गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट सिक्स वाला देख लेते हैं हम लोग। सिक्स वाला देख लेते हैं, ऑल पाकिस्तान आर चाइना, ऑल पाकिस्तान आर क्या लिखा, चाइना, ऑल चाइना आर भूटान, सम नेपाल इज इंग्लैंड, एंड ऑल भूटान आर नेपाल है क्या, ऑल भूटान आर क्या है, नेपाल है, सम नेपाल इज इंग्लैंड, एंड नो भूटान इज यूएसए, ठीक है। सम नेपाल इज क्या लिखा, इंग्लैंड, एंड नो भूटान इज USA, नो भूटान इज क्या लिखा, USA। देखो थोड़ा दिमाग लगाया थोड़ा सा इसमें, क्या किया है, ये अंदर वाले पार्ट को बाहर वाले से नो के रिलेशन में जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या है, एग्जांपल पे आते हैं, ये कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल इंग्लैंड बीइंग USA इज पॉसिबिलिटी, देखो डाउटफुल है प्लस पॉसिबिलिटी है, तो ये सही होगा, कोई सियोरिटी नहीं है और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दूसरा क्या है कि सम भूटान आर इंग्लैंड, कुछ भूटान क्या है, इंग्लैंड है क्या, नो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तीसरा, सम USA बीइंग पाकिस्तान इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ USA के पाकिस्तान होने की संभावना है क्या, बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ नो लग गया, जब नो लग गया तो फिर पॉसिबिलिटी का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज क्या है पेंसिल है, ऑल पेंसिल आर क्या है अल्फाबेट। सम वॉवेल आर अल्फाबेट है, ये हो गया। चलो हम लोग फिगर के हिसाब से बनाते हैं इसके कंक्लूजन को। सम अल्फाबेट आर नॉट बीइंग वॉवेल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ अल्फाबेट के वॉवेल होने की संभावना नहीं है, कुछ अल्फाबेट के, बिल्कुल सही है क्योंकि सम लगा गया है, पहला वाला सही। दूसरा वाला क्या है कि सम अल्फाबेट आर नॉट पेन, कुछ अल्फाबेट आपका पेन नहीं है, ये भी सही है कि अल्फाबेट का कुछ ना कुछ पार्ट आपका पेंसिल है और पेंसिल वाला पार्ट आपका क्या है पेन नहीं है। तीसरा वाला क्या है नो पेंसिल इज पेन, कोई पेंसिल आपका पेन नहीं है, ये भी आपका सही है। चलो ये चौथा वाला है कि नो अल्फाबेट इज ए पेंसिल, कोई अल्फाबेट ये क्या है पेंसिल नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि ऑल वॉवेल बीइंग पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, सभी वॉवेल के पेंसिल होने की संभावना है क्या। अब देखो यहाँ पेंसिल से लेकर वॉवेल तक में कोई निगेटिव नहीं है तो इसका पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगा सही होगा ऑल और सम वाले केस में, और फिगर में श्योर भी नहीं है। एक बार और इस क्वेश्चन को चेक कर लिया जाए क्या लिखा है, क्या स्टेटमेंट से ही चेक कर लेते हैं। नो पेन इज पेंसिल लिखा है, ठीक है, ऑल पेंसिल आर अल्फाबेट लिखा है, सम वॉवेल्स आर अल्फाबेट लिखा सही है। पहला वाला कंक्लूजन क्या है सम अल्फाबेट आर नॉट बीइंग वॉवेल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ अल्फाबेट के वॉवेल होने की संभावना नहीं है, सही तो है पहला वाला। दूसरा कि कुछ अल्फाबेट पेन नहीं है, कुछ अल्फाबेट जो है वो क्या है पेन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ इसका रिलेशन ले रहा है कि कुछ अल्फाबेट वाला पार्ट आपका पेंसिल है और पेंसिल वाला पार्ट जो है पेंसिल रिलेटेड नहीं है, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि नो पेंसिल इज पेन, ये भी आपका सही कि कोई पेंसिल आपका पेन नहीं, जब कोई पेन आपका पेंसिल नहीं है तो। तीसरा क्या है, ये चौथा क्या है नो अल्फाबेट इज पेंसिल, नो कोई अल्फाबेट आपका पेंसिल है तो गलत हो जाएगा। चलो यही आपका कंक्लूजन है कि आपका 1, 2, 3, 5 आपका फॉलो कर रहा है, 4 आपका डज नॉट फॉलो। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ जाते हैं, 8 में क्या लिखा है फिगर बनाते हैं। सम कैरोट आर पैरोट लिखा है, सम कैरोट आर क्या लिखा है पैरोट लिखा है, ठीक है, ऑल पैरोट आर क्या लिखा है काउज लिखा है, सम काउज आर क्या लिखा बफेलो, ठीक है बफेलो लिखा है। अब क्या है जरा देखना यहाँ ध्यान से कि इसके कंक्लूजन में आते हैं, लिखा है कि ऑल कैरोट बीइंग बफेलो इज ए पॉसिबिलिटी, सभी कैरोट के बफेलो होने की संभावना है, ऑल कैरोट बीइंग बफेलो इज ए पॉसिबिलिटी, सभी कैरोट के बफेलो होने की संभावना। भैया देखो थोड़ी देर पहले बताए थे यहाँ से यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे तो आपका डाउटफुल जो भी आपका कंक्लूजन होगा अगर सब में पॉसिबिलिटी लगा है तो आपका संभावना सही होता है इन द केस ऑफ ऑल इन द केस ऑफ सम, तो पहला वाला क्या सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है नो पैरोट इज ए काउ, नो लग गया ये तो ऑलरेडी गलत है। तीसरा सम कैरोट आर काउ, कुछ जो कैरोट है वो काउ है, हाँ ये वाला पार्ट है थर्ड सही। फोर्थ नंबर देखो क्या है कि नो पेंसिल इज सॉरी फोर्थ नंबर है ऑल पैरोट बीइंग बफेलो इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पैरोट के बफेलो होने की संभावना है, ये बिल्कुल सही है कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। एटलीस्ट सम काउज आर पैरोट, एटलीस्ट कम से कम कुछ जो आपका काउ है वो पैरोट है, बिल्कुल सही है ये पांचवा सही है, मतलब आपका ओनली 2 डज नॉट फॉलो, बाकी आपका ऑल आर फॉलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, 9 पे आते हैं। लिखा है नो पेन इज कैप, नो पेन इज क्या लिखा है कैप, मतलब पेन और कैप में पहले ही से ही माइंड मेकअप कर लो, इसमें कोई पॉसिबिलिटी चलने वाला आपका नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि सम कैप और कवर, कुछ जो कैप है वो क्या है आपका कवर्स है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि नो कवर इज ए पेंसिल, कोई भी कवर आपका पेंसिल नहीं है, ठीक है। चलो तो नो कहाँ कहाँ लगा है पेन और कैप में, कवर और पेंसिल में। पहला वाला कंक्लूजन हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट सम कैप आर पेन, कैप आर पेन है क्या, नो बिल्कुल नहीं। सम कवर आर नॉट पेन, कुछ जो कवर है वो क्या है पेन नहीं है, कुछ कवर वाला पार्ट जो कैप से रिलेटेड है ये वाला पार्ट नहीं, ये बिल्कुल सही है।
तीसरा वाला क्या लिखा है, सम कैप आर नॉट पेंसिल, कुछ जो कैप है वो पेंसिल नहीं है, सही है। जो कैप वाला पार्ट कवर से रिलेटेड है, ये वाला पार्ट आपका पेंसिल नहीं है, सही है। फोर्थ वाले पे आते हैं, नो पेंसिल इज कवर, कोई भी पेंसिल जो है वो कवर नहीं है, कोई भी पेंसिल जो है वो कवर नहीं है, ये भी सही है और ये स्टेटमेंट भी नहीं है और फिगर में आपका दिख भी रहा है। सम कवर नॉट बीइंग कैप इज अ पॉसिबिलिटी, सम कवर नॉट बीइंग कैप इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ कवर के कैप होने की संभावना नहीं है, ये भी आपका सही है ना। चलो नेक्स्ट वाला 10 नंबर में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर है, ऑल टीचर्स आर क्या है, इंजीनियर्स है। सम प्रोफेसर आर इंजीनियर है, कुछ जो प्रोफेसर हैं आर इंजीनियर्स हैं। एंड ऑल प्रोफेसर्स आर क्या है, राइटर, ठीक है। टोटल पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपका। तो पहला वाला क्या लिखा है कि ऑल टीचर्स बीइंग राइटर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी टीचर के राइटर होने की संभावना है। चलो दूसरा कि सभी प्रोफेसर के टीचर होने की संभावना है क्या, सभी प्रोफेसर यहाँ टीचर यहाँ दोनों का डायग्राम मिक्स हो क्या, ऑल का हो सकता है, दूर का रिलेशन है, डाउटफुल है, पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, हमेशा क्या होगा सही होगा। तीसरा नो इंजीनियर इज ए राइटर, नो लगा भैया पहले ही गलत क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। एटलीस्ट सम इंजीनियर आर राइटर, एटलीस्ट सम इंजीनियर आर राइटर, ये भी आपका सही है। पांचवा वाला क्या लिखा है कि सम इंजीनियर्स नॉट बीइंग प्रोफेशन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ इंजीनियर के प्रोफेशन होने की ये प्रोफेसर होने की संभावना नहीं है, कुछ इंजीनियर के प्रोफेसर होने की संभावना नहीं, बिल्कुल सही है कि कुछ इंजीनियर अगर प्रोफेसर हैं तो कुछ इंजीनियर के प्रोफेसर होने की संभावना नहीं है। पांच वाला भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। और मैंने एक जैसा बात थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपका क्या करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, ठीक है। चलो तो वो आपका इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग पॉसिबिलिटी को क्या क्या लिख सकते हैं। अगर कंक्लूजन में अगर आपका पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो इसके बदले क्या क्या रह सकता है, पहला रह सकता है कैन बी, दूसरा रह सकता है मे बी, ठीक है, उसके बाद ये होगा माइट बी, ठीक है, माइट भी हो जाएगा। फिर आपका क्या है चांसेस, थर्ड नंबर वाला में क्या होगा आपका चांसेस हो जाएगा, थर्ड नंबर वाले में क्या होने वाला है आपका चांसेस, फोर्थ नंबर में क्या होने वाला है ऑकर्स है, ये फिफ्थ नंबर में क्या होने वाला है, ये तो आप लोगों को पता है कि इज बीइंग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये सिक्स नंबर वाला में क्या है इज ए पॉसिबल, इज ए पॉसिबल रहेगा या फिर पॉसिबिलिटी रहेगा, दोनों में से कोई भी रहेगा तो चलेगा। तो इन सारा चीज आपको अगर कंक्लूजन में मिले तो आप लोग समझना कि ये क्वेश्चन जो है आपका कैसे है, ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है ओनली इन पॉसिबिलिटी, तो ये क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है किस चीज़ में, ओनली इन पॉसिबिलिटी में। तो ये सारा आपका कंक्लूजन में रहे तो समझना कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्या है पॉसिबिलिटी में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा वीडियो आपका जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया आपका, सिलॉक्स का कंप्लीट हो गया। पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, फिर कंडीशन ऑफ इधर और पढ़ा, फिर आपका पॉसिबिलिटी पढ़ लिया आज हम लोगों ने। तो इन तीनों वीडियो का जो है एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप लोग देखो, या फिर सारे वीडियो में तीनों वीडियो का आप लोगों का लिंक दिया गया है। तो लिंक में क्या करना, क्लिक करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताया है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो जो मैंने आप लोगों को बताया है, उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन का आपका जो PDF है डाउनलोड कर लेना है, खुद से बनाना है। नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पे आइएगा, वीडियो को देखिएगा और लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही अपना प्यार क्या बरसाते रहिए हम लोगों के ऊपर, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का अच्छा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे एग्ज़ाम के रेलेवेंट। थोड़ा भी निराश होने का कहीं से मौका नहीं देंगे, थोड़ा भी क्या है निराश होने का कहीं से मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।